धन्यवाद सभापति जी। मुझे नागरिक विमानन मंत्रालय के अनुदान मांगों पर उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया है। सभी एमपीज ने अपनी अपनी बात कही है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। मेरे क्षेत्र के संदर्भ में कुछ बातें माने मंत्री जी से मिलकर के भी मैंने निवेदन किया था। मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठो जाओ, आप बैठिए बैठिए, हनुमान जी ने कहा बैठे, चलिए। निवेदन कर रहा था, आप पीठ की सहायता करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है जी। सीकर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, सीकर के आसपास का इलाका एक टूरिज्म हब है। सीकर की हवेलियाँ, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, झुंझुनू, सीकर का जो बेल्ट है एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसके साथ में मुख्य रूप से जो सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, अभी इस बार खाटू श्याम जी में 20 लाख लोग वहाँ का जो मुख्य मेला होता है उसमें आए हैं। एक दिन में 10 लाख लोग आए और हर शनिवार रविवार को वहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, 20-30 हज़ार हर रोज आदमी आते हैं। संपूर्ण भारत और देश विदेश से लोग आते हैं। जयपुर से खाटू आने में 2.5-3 घंटा लग जाता है, क्योंकि जयपुर ये एयरपोर्ट जो है ये बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ता है। मेरा एक निवेदन है कि उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए, मेले की बात को देखते हुए और ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए, वहाँ जीण माता का मंदिर भी पड़ता है, दरसाला मंदिर है, इधर खाटू श्याम जी है, दरसाला सर है, चारों है, उसके बीच में स्थान पड़ता है। वहाँ एक हवाई पट्टी का मैंने निवेदन किया था कि वो बन जाए हमारे, रोज डेली को इनको VIP जाता है, क्योंकि मेरे पास सूचनाएं आती हैं, हर रोज VIP जाते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। दूसरा निवेदन ये था, सीकर से हवाई, हमारी एक हवाई पट्टी है तारपुरा में, सीकर से 20 किलोमीटर दूर है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। एक बार हमारे माननीय कुछ अतिथि दिल्ली से गए थे, चुनाव में जाना था, फ्लाइट सर मैं खुद खड़ा था वहाँ, फ्लाइट के उतरने से 10 मिनट पहले गाड़ी सामने से निकली वहाँ पर, क्योंकि बाउंड्री वाल नहीं है। तो मेरा उसके लिए भी आपसे निवेदन है कि उसकी बाउंड्री वाल ठीक होनी चाहिए और उसमें एक ढंग का वेटिंग रूम हो जाए, क्योंकि 2-3 घंटे भी पहले चले जाते हैं तो कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, न फैसिलिटीज है, तो ये भी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आशा करूँगा कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे। आपने जो यूक्रेन के समय में काम किया, मेरे खुद के क्षेत्र के 108 विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ते थे, वो बच्चे जब आए तो मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया, तो उन्होंने माने प्रधानमंत्री जी, माने मंत्री जी, आप लोग लेने के लिए भी गए, आपकी जो बात कही वास्तव में परिजनों ने भी जो सराहना की वो उल्लेखनीय है। इसी तरह से कोरोना काल में जो काम किया, उड़ान योजना में सस्ती फ्लाइट दी है, मैं इसके लिए माने प्रधानमंत्री जी और आप दोनों मंत्रियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।